मैं ये कटिंग वाले भाई को कहता हूँ, जैसे आपने मेरे भाई की ट्रेंड की थी वैसे मैं वाला साहब को लाऊंगा, इनकी भी ट्रेंड कर देना। कैमरा बंद कर नहीं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार करने वाले भाइयों और बहनों, मैंने बड़े प्रैंक किए हैं पर आज का प्रैंक जो है ना वो सबसे ऊपर है जनाब। आज कौन सा प्रैंक करना है? आज तो KFC जाना था भाई, KFC तो जाना था आज। पहले मैंने प्रैंक बनाना है, पापा की करा देनी है टिंड। पागल तो नहीं हो गया? पहले तूने मेरी टिंड कराई है, जा बड़ा कुछ पागल ही नहीं है यार। ये किसी ने कमेंट किया मुझे पता यार, सीरियस प्रैंक बनाएंगे तो यार नहीं नहीं पागल है यार। आप सारे वीडियो को लाइक करो, मेरी बात सुन। कुछ नहीं पहला आ जा घर भाई, इतनी दूर लेके आया वीडियो बनाने के लिए, हम लोग बनाना जा रहे हैं तो ये काम करने आए यार। आज तो यार पापा की टिंड करानी है, सब कमेंट आ रहे थे यार मुझे प्यार करने वाले भाई। कमेंट आ रहे थे जिस भाई के आ रहे हैं यार, ऐसे कमेंट ना किया यार, तुम्हारी मेहरबानी है यार। कुछ नहीं होता यार, मैं कह रहा हूँ भाई भाई तू भी आ जा, आना तो मेरे साथ आ जा। ऐसा मैं अकेला ही बना लेता हूँ, चलो प्रैंक भाई मुझे अकेले को बनाना पड़ेगा। मैं ये जो टास्क मिला है मैं करके रहूँगा। मैंने भाई पापा की करवा देनी है टिंड, आप कर दो इस वीडियो को लाइक। अब जाते हैं सबसे पहले नाई के पास परमिशन लेते हैं, फिर घर में जाके पापा को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको किसी तरह घेर के नाई की दुकान पे भी लेके जाना। तो यार मैं पैदल ही आ गया हूँ नाई की दुकान पे। मुझे लग रहा है भाई साहब अंदर रश बहुत है, काम शाम हो रहा है मेरे ख्याल से भाई। मुझे लग रहा है कि भाई रश बहुत है आज, हमारी इधर पॉसिबल नहीं है वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब भाई, यार वो पहले वाले भाई तो है नहीं, अब ये भाई हैं, ये कटिंग करते हैं। अच्छा यार मैं ना वो वाले साहब को ले गया हूँ। अच्छा आपने ना जनाब उनकी कर देनी है टेंट, ठीक है कर देंगे टेंट, पक्की बात है। तो झिड़कियाँ जो पड़ेंगी ना आपको नहीं पड़ेंगी, वो मुझे ही पड़ेंगी, ठीक हो गया। तो मैं उनको ले के आऊँगा, आपने जनाब सीट पर बिठाना है तो आपने कर देनी है टेंट, ठीक है डन हो गया। तो यार जनाब अब मैं जा रहा हूँ घर वाले साहब को लेने जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ। तो फिर मैंने अंदर भाई को तो कह दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार मुझे नहीं लगता आज के बाद मेरा ब्लॉग या प्रैंक आएगा, आज मोहसिन भाई खत्म है। well, मैं तेरे साथ नहीं हूँ भाई, इधर इधर देख, मैं आज वाले इधर में हल्की बोल भाई, सुन लेंगे मेरी बात जल्दी, इधर इधर मेरे कैमरा कर, तू बस इधर भाई ना कैमरा पकड़ ले, तू मेरे साथ ना जाए भाई, बस कैमरा पकड़। मैं जा रहा हूँ राइडो पे, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आज वाले व्लॉग में मैं तेरा कोई पापा की टेंट करानी है, पता चले ना प्रैंक हुआ जैसे। नहीं 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 भाई नहीं, मैं भाई कत्ल कर दूंगी अब्बा जी तुझे, मैं तुझे सही कह रहा हूँ कोई बात है करने वाली यार, ये वाला प्रैंक नहीं सही, ये वाला कमेंट ना करा करो यार। मैं तो जा रहा हूँ भाई, मल्ला माफी भाई, मैं कोई नहीं कुट शूट खानी इधर, तो मैं कह रहा हूँ रोड पे उन्होंने बिछा के कुट मारना है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो यार इधर मैं बोल नहीं सकता था, मैंने अपनी बहन को मोबाइल पकड़ा दिया था, मैंने कहा था तूने इधर से छुपके से वीडियो बनानी है, ठीक है। यार वो KFC का व्लॉग बना रहा है ना, KFC जाना है। अच्छा तो कटिंग वटिंग करा लो, ये बाल शाल आपके, ये बाल मेरे नहीं है, मेरे बालों को क्या हो गया। नहीं नहीं ये वो KFC का व्लॉग बना है, बड़ा प्यार तो KFC मुंह से खानी है, बालों से खानी है, वो बालों से तो नहीं ना खानी। ये देखो ना इधर मम्मा से भी पूछ लो, मम्मा पापा के इधर कितने बड़े बड़े बाल हुए हैं, सेटिंग करा लो। मैं भी ये दाढ़ी शरी बनवाने जा रहा था, तो आ जाओ दोनों आराम से जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, KFC बाबे दी है, बाबा भी ऐसे नहीं खाना है, वो मुछा वड्डिया ने वो तो कुछ लेते हैं, काला कोला लगवा लो। अच्छा वो क्या नाम है, चले फिर खाला कोला वगैरह लगवा लो, KFC जाना है, नया सूट जो आपको गिफ्ट किया था आपने वो पहनना है। मम्मा से जाए पूछो, मम्मा काला कोला बाल ही अंदर से आ रही थी, मम्मा पहले ही अंदर से आ रही थी। तो क्या नाम है, काला कोला वगैरह लगवा ले, और ये इधर कानों के ऊपर से कटिंग कुटिंग ये सही है। यार मेरी बात सुनो, मैं वैसे सही हूँ, मैं अभी पंगी करूंगा ना, देखना तो मैं उठो तो इनके साथ बता, तुम्हें थोड़ी सी बातें करनी होती है, और भी शुरू करना है, टाइम इधर ही जाया जा रहा है। चलो फिर क्या नाम है, वो लोगों को बन जाए, कोई ऐसी गल नहीं,
तो फिर चलते हैं। तो भाई मैंने कोई नहीं कटिंग करानी, अगर तूने अपने बाल अच्छे कराने तो वो करा ले। आपका चिट्टी रखो या काली रखो। अच्छा चलो ठीक है, मैं टोपी कितने अभी छोटा है मुझसे हाँ मतलब मेरी जितनी है ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो मस्जिद में जाते हैं। हाँ समझ में आई है ना। A few moments later. तो यार जोहर की नमाज पढ़ के वाला साहब को मैं ले आया हूँ कटिंग की दुकान में। जनाब बहुत मुश्किल प्रैंक था यार मेरे लिए। सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ऑल पे करो यार। पापा कह रहे थे ये कानों पे जो है ये नीट कर दें, ठीक है, फिर वो जो क्या नाम है जो आपको बताया वो करेंगे। सुन लगा प्यार करने वाले भाइयों आपके लिए मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो कह रहे जी ये कर लो वो कर लो, वैसे तो मैं बिल्कुल सही था, तो मैंने कहा चलो आप कहते हैं तो मैं ये करवा लेता हूँ। तो इधर जो ईयर पे होते हैं ना हेयर्स पापा के, वो रिमूव हो रहे थे, ठीक है, क्लीन हो रहे थे। तो यार अभी तो बहुत हैवी वाला धमाका होने वाला है। मैंने कहा यार बड़ा हार्ड है, तो इधर मैं ब्लॉग बनाने की एक्टिंग करता हूँ पापा की कटिंग से, ठीक है। पान शान वगैरह वो लेट हो रहे हैं, ईयर वगैरह, तो अभी चेक करना पापा को, हम जिमनास्टिक लुक दे देंगे, नई लुक। मैं तो हमेशा बाहर से अपनी दाढ़ी शाड़ी सेट करानी हो, मुझे शूज़ जो भी सेट करवाना हो, ठीक है, तो अपना हेयर्स वगैरह करवाने हो, लेकिन पापा का ये रूटीन है कि वो घर में ही सारा कुछ कर लेते हैं। कटिंग करनी हो, अपनी दाढ़ी सेट करनी हो, जो मर्ज़ी करना हो ना, उनके पास मशीन है 2-3 साल से ना, तो वो उसी से ही घर में करते रहते हैं। तो ये भी बड़ा एक बात है कि वो अपना सारा कुछ जो भी करना होता है घर में करते हैं। तो आज मैंने कहा ना, तो वाले साहब को उधर ही शक सा पड़ गया था, ठीक है। मैं कहा ओ यार काला कोला वगैरह आप उधर HD वगैरह बना दें, ठीक है। हाँ ये हो रहा है, अब ये सारा फिनिश हो गया यहाँ से, अब ये थोड़ा सा ये वो सेटिंग शूटिंग हो गया, सेटिंग तो हो गया। चलें ये नहीं वो कह रहे हैं ये। अच्छा यार तो अब बारी आ गई थी पापा की, जनाब टेंड होने की बारी आ गई थी। बड़ा हैवी वाला प्रैंक का पूरा मूड है, ठीक है। तो अब आगे देखो आगे कि क्या होता है भाई साहब। इधर पापा को शक थोड़ा थोड़ा पड़ने लग गया था, ठीक है, क्योंकि ऐसे कभी मैं होनेस्टली बताऊँ कभी वैसे मैं पापा को कटिंग करवाने कभी भी नहीं लेके गया या काला कोला लगवाने, ये पहली बार ही था। आपने ये कैंची के साथ थोड़ा सा ही बस ये जो है ना थोड़ा सा ये लेना,
और इधर से ये पहले वीडियो फुल कर लो ना, वो मशीन चलाएंगे तो आप उन्हें रोक देना, तो बाकी काम तो वो आने जो करवाना है मेरा। जनाब इधर वाला साहब की टेंड होने ही लगी थी, उसने मशीन पकड़ ली थी ठीक है, लेकिन पापा ने कहा पहले सीजर से ये कर दो, टाइम लेट हो जा रहा था और मैं कह रहा था इधर बंदे भी बहुत हैं, मुझे जूतियां पड़नी है ठीक है। और ये प्रैंक आप लोग के लिए यार, ये छोटा प्रैंक नहीं मैं कर रहा था यार, मैं बता नहीं सकता कि कितना मेरे लिए ये मुश्किल सिचुएशन थी। छोटा भाई मुझे बार बार यही इशारे कर रहा था कि ये तू मतलब अच्छा नहीं कर रहा यार। A few moments later. मशीन लगेगी ना साइड पे, मशीन लगेगी सेटिंग हो। नहीं नहीं मशीन वाला काम नहीं करना, कितने इन्होंने मिले थे नहीं 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 ऐसा लगा तो सही भी बच्चे आप इसके अंदर मिले तो नहीं राउंड बनाएंगे ना हम साइड में। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 ये मशीन वाला काम नहीं करना, ये तो मेरे पास घर पे भी पड़ी है मशीन। कैमरा बंद कर रहे मशीन से सेट होता है ना पापा, मुझे तो थोड़ा सा रह गया अब ज्यादा। मैं कह के भी आया हूँ मैं कि मेरे साथ कोई ऐसी बात ना करना, अब बस थोड़ा सा काम रह गया यार, मशीन का काम ही नहीं है, मैंने करवा लिया जो मैंने नीट कराना था, मशीन से तो ठंडी होगी ना, फ्रेश भी ठीक हो रही है। और नहीं सर जी तुम्हारी मेहरबानी, चलो खोलो। पापा नहीं मिला बाबा भाई लगता है आपको, ठीक है ना खोलो नहीं। हेलो मोहसिन भाई, ये क्या कह रहे हो, मोहसिन भाई को बाइट भेज दें फिर करवा लो, अब सर थोड़ा सा काम तो रह गया। मोहसिन भाई का तो मैं बोलते नहीं, आप मुझे मुझे शक लग रहा है, यार मुझे किसी और के पास चले फिर, आप साथ तो नहीं मिले इसके को मसला ऐसे को बात तो नहीं यार, ऐसी पहली बार मिले हैं भाई। नहीं तो फिर आपने ये पकड़ा क्यों, ये आपने पकड़ी की है क्यों बकरी, आपने मुझे बताया ये इधर आओ, मैं आपको जरा बताता हूँ कैसे होती है। नहीं 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 ये कोई बात है करने वाली यार, साथ मिले भाई, एक तो आपकी कटिंग कराने टच कराने आए हैं, ऊपर से ब्लाइंडर लगवाने नहीं, ऊपर से आप कह रहे साथ क्या मिले। नहीं तो ये मशीन का क्या काम है, मैंने वो सारा करवा लिया ना, मशीन का क्या काम है बीच में, मशीन से साइड सेट होती है पापा जी। यार क्या हो गया तुम्हें, मैं घर पे आपको पता इससे खुद ही कर लेता हूँ ऊंचे वगैरह सेट, तुम मुझे चलो जितना होना था वो हो गया, कॉलर वगैरह ओके करो दो, बाकी पेमेंट शेमेंट करे तो फिर चलते हैं, फिर जितना आप नहीं करवा रहे तो है फोर्सली तो नहीं ना, फिर भाई ने तो बड़ा अच्छा यार कटिंग कर रहे थे वो, आप भाई से इसे बताएं इसके साथ तो नहीं मिलेगा। नहीं वो भाई हमारे पास पहली बार यार, मुझे तुम्हारे पे इतबार नहीं है। अच्छा चलो करो, कितने हो गए यार ये मशीन से ना, चलो कैंची से करा लो साइड है, आप कैंची से करा लो। मुझे शक लग रहा है तुम्हारे ओए नहीं शक लग रहा है, इसे बताओ तुम बात करने आए थे इधर यार, नहीं ये पहले क्या क्या के ब्लॉग बनाने आए हैं तो। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे इसकी ट्रेंड कराई थी आपकी दिख रहा पापा ब्लॉग बन रहा, नहीं ट्रेंड करानी थी मैं कोई साथ नहीं मिला, किसी ने वो बात सही की थी अब्बा बहुत है, बाकी किसी ने वो बात वाकई सही की थी अब्बा बहुत है, किसी मिशन में फेल हो गए हो, मिशन में फेल हो गए हो। हाँ इसने मुझे टीना लगाया था, मेरी टीन करवाई थी, ये दुकान पे मैं पहले भी अपना काम करवा के जाता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इनके साथ मिले हो बड़ी बुरी बात है, बहुत अफसोस होता है मुझे। पापा जिन गर्मी है ना आपकी टेंडा, अब मैं कहता हूँ ओ भाई मेरी टेंड करा के क्या करना, बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे मैंने रखे हुए हैं, आप सही रहे हो। शर्म आती नहीं तुम्हें, हर वक्त तुम्हारा यही काम है, तुम्हें पता नहीं कौन से प्यार करने वाले भाई कह देते हैं कि पापा की टेंड करा दो, शर्म नहीं आती तुम्हें, इतनी अच्छी की टोपी लगती है मैं पहनी होती है तो बंदे को थोड़ी सी शर्म भी होती है, हर वक्त तुम्हारा एक ही खड्डा भरा होता है, बंदे को और भी कोई काम होते हैं, मकान भी ढूंढ रहे हैं। चलो पेमेंट तो कितने हो गए, कितने हो गए भाई यार प्यारे भाई आपका थैंक यू सो मच, और ये भाई की शॉप है इनका भी थैंक यू सो मच ठीक है, तो इनकी शॉप है इधर सब्दादार में, तो बी ब्लॉक के बिल्कुल बाय ठीक है, तो
काम वगैरह करवाना हो इनके पास आए, बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारा नाम ले लीजिएगा आप और शफकत कर देंगे। साथ ही मरजान पंप की लाइन में इनकी शॉप है, ठीक है, मैं आपको भाई की लोकेशन दिखाता हूँ। और भाई स्पेशली यार थैंक यू सो मच आपने भाई वीडियो में हेल्प की, तो मैं बाहर से आपको इनकी शॉप दिखा देता हूँ। बाकी यार अब्बा अब्बा होता है ये बात वाकई सच है यार, ये क्या मुझे लेके जाओ यार, वो भी छोड़ गया था यार, यार ये क्या बात हुई, ये तो गलत है यार, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। मैं शॉप का बता रहा था, ठीक है, ये इनकी शॉप है, ये इधर से मरजान पंप बी ब्लॉक ये सात टायर वाली शॉप है, ठीक है। तो यार इन्होंने भी शॉप खोली है, आके जनाब कटिंग कुटिंग यहाँ से करवा लेना, मुझे लगता है पैदल घर जाना पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए, देख लो बाकी कोई बात नहीं, अब पैदल ही जाएंगे घर और क्या कर सकते हैं। तो यार मैंने बड़े प्रैंक किए हैं, ये प्रैंक मेरे लिए बहुत हार्ड था, ठीक है, आप लोगों ने लाइक करना है। पापा तब से यार अभी तक ना मतलब मेरा एक बार आमना सामना हुआ था, तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, साथ लेके जाते हैं चुप करके ना, पापा नमाज पढ़ने चले गए थे जनाब, ओए होए होए यार लाइक करो, और यार जो टल्ली है ना उसे हाल पे कर लो, और जब मोहसिन भाई का प्रैंक या व्लॉग है आके प्यार दिखा के लाइक दबा दिया करो, ओए होए होए। नेक्स्ट प्रैंक कौन सा होगा कमेंट में लिखते ना, आपको पता है जो आप कहते हो मोहसिन भाई प्रैंक करते हैं, तो यार ओए होए होए यार बहुत मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और यार हमारे लिए खास दुआ करते रहा करो प्यार करने वाले भाइयों, अपनी वालदा से भी मेरे लिए दुआ करवा देना, बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मिलते रहेंगे हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।